यूपी के सेनापति में एक ऐसा था जो महिलाओं के साथ गाली गलौज करता, मारपीट करता और उन्हें खुलेआम अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट को दिखाता। ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके उस पर अवैध निर्माण कराता, लेकिन उस बाबा पर कार्रवाई नहीं होता। हाथों में डंडा लिए महिलाओं के साथ मारपीट करने वाला ये बाबा गांव की महिलाओं को अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट को दिखाता और उनके साथ अश्लील हरकत करता, जिसके बाद भी इस बाबा पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। गांव में रहने वाली महिलाओं का आरोप है कि कोई ढोंगी बाबा उनके घर के सामने बने कुटिया में आकर रहने लगा है, जिसने उनके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, जिसका विरोध करने पर महिलाओं पर बाबा लाठियां फांस देता है। यही नहीं, वह अपनी लुंगी उठाकर महिलाओं को अश्लील दृश्य भी दिखाता है, जिससे महिलाएं काफी भयभीत हो चुकी हैं। बाबा के द्वारा अश्लीलता परोसने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें वह अपनी लुंगी उठाकर महिलाओं को बुलाते नजर आ रहा। यही नहीं, वायरल वीडियो में बाबा महिलाओं को गाली गलौज करने के साथ डंडों से मारते भी दिख रहा। आइए आपको बताते हैं कि कौन है ये बाबा और कहां से आया है, क्या है इस बाबा का इतिहास। दरअसल यह पूरा मामला भिंगा कोतवाली क्षेत्र के पूरे आधारी गांव का है, जहां पर मिथिलेश कुमारी नाम की एक विधवा महिला का परिवार रहता है। घर में तीन पुरुष की मौत हो चुकी है, जिसके कारण परिवार पूरी तरह से असहाय हो चुका है। इनके घर के सामने कालिदास बाबा नाम की कुटी है, जो खाली पड़ी थी, जहां पर जनपद श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर पाड़ा गाँव का रहने वाला एक बाबा आकर यहाँ पर कब्जा जमा लेता है और फिर लोगों को परेशान करने लगता है। महिलाओं का आरोप है कि मंदिर जैसे पवित्र जगह पर बाबा नशा पत्ती करता है, साथ ही वहां पर अजारक लोगों का जमावड़ा लगाता है, जिससे पूरे परिवार को खतरा है। जब इस बाबा के बारे में जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि यह बाबा जहां भी जाता मठ मंदिर खाली देखता, वह वहां पर जाकर कब्जा जमा लेता और बिना किसी कागज पेपर के वहां पर निर्माण कार्य कराने लगता, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। ग्रामीणों से बाबा के बारे में पता चला कि बाबा पहले गिलौला में तंत्र मंत्र करता था। उसके हरकतों से परेशान होकर वहां के लोगों ने बाबा को गांव से निकाल दिया, तो यह मल्लीपुर के उल्टावा स्थित एक कुट्टी पर चला गया। वहां पर उसकी हरकतों से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़ दिया, तो बाबा भिंगा कोतवाली के पूरे आधारी गांव स्थित कालिदास बाबा कुट्टी पर पहुंच गया, जहां पर खाली पड़ी मंदिर पर कब्जा करने के बाद बाबा वहां पर अवैध रूप से निर्माण कराने लगा। स्थानीय लोग कहते हैं कि बाबा का इस गांव से कोई संबंध नहीं है, न ही इसका कोई नातेदार रिश्तेदार यहां रहता है। आरोप यह भी है कि ग्राम समाज की जमीन पर बाबा रहने के लिए आवास भी बनवा रहा है, जिस मामले में जिला प्रशासन पूरी तरह से अनजान बना बैठा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया पर बाबा की करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट यूपी। वीडियो में दिख रहा है बच्चों को इतनी गंदी गंदी अपना कपड़ा खोलकर दिखाता है, हम लोग को इतना शर्म लगता है, हम लोग क्या करें। वो बाबा हमेशा गंदी नजर रखता है, हमारी महिलाएं जो हैं वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उससे हमें बहुत भय लगता है कि हमारी बच्ची को कभी यहाँ से उठा ना ले जाए, मार ना डाले, गंदी हरकतें ना करे। अब हमको प्रशासन कोई मदद नहीं देता है।